देश के गृह मंत्री ऐसे हैं जिन 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 छह जो है हमारे मंत्री कैबिनेट मंत्री की जिन्होंने शपथ लिए, छह पर अति गंभीर मामले हैं जिन पे दंगे भड़काने के मामले, उसमें हमारे गृह मंत्री जी भी आते हैं। तो मुबारक हो आपको ऐसी कैबिनेट, ऐसी संसद जिसमें 43% क्रिमिनल पहुंचते हैं और हमारे खुद गृह मंत्री के ऊपर दंगे भड़काने का अति गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 16 हमारे कैबिनेट मंत्रियों पर हत्याओं के मामले चल रहे हैं और 22 के ऊपर जो है वो क्रिमिनल केस दर्ज हैं। और हमारी जीडीपी इन्हीं लोगों को अब मिलकर हमारे देश की बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे अधिक है उससे पार पाना है। देश की विकास दर जो है वो गिर चुकी है। देश का जीडीपी जो है वो 5.8 पर आकर रुक गया है। किसी ने यकीन नहीं किया और यही कहा आएगा तो मोदी ही आ गया। मोदी जी दोबारा मुबारक हो मोदी जी को, और मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री को कहूंगी बहुत बड़ी चुनौती है। आपने जिन आंकड़ों को देश से छुपा कर रखा, उन्हें जारी नहीं होने दिया, वही आंकड़े आज आपकी सरकार के सामने, आपके सामने एक चुनौती बनकर खड़े हैं। बेरोजगारी 45 सालों में सबसे अधिक है, ये तो अब आप भी मान रहे होंगे क्योंकि अब ये आंकड़े लीक नहीं हुए, ये आंकड़े आप ही की भारत सरकार ने आपकी सरकार बनने के बाद जो है वो जारी किए हैं कि आप या देश में, भारत देश में जो बेरोजगारी की दर है वो 6% एक पर पहुंच गई है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगार आज देश में खड़े हुए हैं। दूसरा जीडीपी, डोमेस्टिक जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कि पूरे देश की हमारी जो है इनकम जो है, कमाई जो है, जीडीपी जो है, वो भी गिरकर 5.8 पहुंच गई है। हमारी जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि 8%, चाइना को पीछे करने की बात कर रही थी क्योंकि चाइना का जो जीडीपी है वो 7.5 पर है, हम उसे मात देकर 8% अपनी जीडीपी करने का वायदा कर रहे थे। लेकिन आज की हकीकत यह है कि मोदी सरकार के 5 साल पूरे करने के बाद, धोखे में रखने के बाद, आज सरकार बताती है कि देश की जीडीपी जो है वो 5.8% पे आकर रुक गई है, जो सबसे कम है। इसके अलावा हमारी जो विकास दर थी, हम जिस विकास से आगे बढ़ रहे थे, वो भी गिरकर 6.8 पर आकर थम गई है। हो सकता है हमें बहुत अभी इसका परिणाम ना दिख रहे हो क्योंकि अभी अभी चुनाव जीते हैं मोदी मोदी करके, लेकिन अब अगर इस पे देश की सरकार ने चुनौती को अभी भी 5 साल में, अगर आप कहेंगे कि हमें बस बंगाल में ममता बनर्जी को बर्बाद करना है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को बर्बाद करना है, और एक के बाद एक सरकार का चुनाव के बाद दूसरे तीसरे चौथे, हमें सिर्फ चुनावों की तरफ ध्यान देना है, तो आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। जिसका नतीजा ये होगा कि लोग ये कहते हैं कि देश के अंदर एक सिविल युद्ध जो है वो हो सकता है। कैसे होगा? बेरोजगारी चरम पर होगी। युवा देश है, 75% आबादी हमारी 40 से कम उम्र के नौजवानों की है, और अगर ये बेरोजगार रहे, ये हताश निराशा फ्रस्ट्रेशन में अगर देश के अंदर क्राइम बढ़ने लग गया, तो आपके लिए सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुनावों में आपने इन आंकड़े, सरकारी आंकड़े जो अब जारी हुए हैं, इसे आपने छुपा कर रखा, पूरे देश को धोखे और गुमराह रखा। लेकिन कोई बात नहीं, चुनौती तो अब आप ही के पास आ गई है, आप ही को इसका समाधान देना है। और सबसे बड़ी बात है 543 हमने देश में सांसदों को वोट देकर चुनकर भेजा है, लेकिन जब मंत्रालय बनता है तो तब हमें 545 लोकसभा और उससे अधिक राज्यसभा सांसदों में कोई भी काबिल नेता नहीं दिखता है जिसे हमने टिकट दी, जो चुनकर जीत कर आए, जो देश के विदेश मंत्री बन पाए। फिर आपको 545 लोकसभा, 600 के करीब राज्यसभा सांसदों से बाहर देखना पड़ता है, और आप बाहर जो किसी भी राज्यसभा से नहीं है, लोकसभा से नहीं है, ऐसा नहीं है, होता रहता है, आप उन्हें ले आएंगे राज्यसभा से, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत काबिल हैं। पर बात यह होती है कि जिनको आप टिकट देते हैं वो विशेषज्ञ और काबिल लोगों को क्यों टिकट नहीं देते? टिकट तो आप उन लोगों को देते हैं जो हिंदू मुस्लिम करें, दंगे करें, और सबसे बड़ी बात 43% दंगाई और हमारी जीडीपी इन्हीं लोगों को अब मिलकर हमारे देश की बेरोजगारी जो 45 साल में सबसे अधिक है उससे पार पाना है। देश की विकास दर जो है वो गिर चुकी है। देश का जीडीपी जो है वो 5.8 पर आकर रुक गया है। तो ये चुनौतियां देश के सामने खड़ी हुई हैं। खूब गाली मारी हम लोगों को जब हम लोगों ने देश के सामने आर्थिक का हमारी जो स्थिति हालात है, बेरोजगारी है, उसको रखा, तो हमें खूब गाली खानी पड़ी। लेकिन आज जिस मोदी सरकार ने पिछले 5 साल देश को गुमराह किया, जिन मीडिया चैनल्स ने, मैं कहूंगी, इन बेरोजगारी के आंकड़ों, इस विकास दर्द की सच्चाई को देश के सामने रखना चाहिए था, उन्होंने भी पूरा मोदी मय होकर झूठ लोगों के सामने परोसा, और एक झूठ और फरेब में लोग जो है करोड़ों रुपए विज्ञापनों में आ गए और अपना एक कीमती वोट जो है वो वापिस दे दिया। लेकिन
अब कुछ नहीं हो सकते, कहते हैं ना अब पछताई होत क्या, जब चिड़िया चुग गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब जो भी चुनौती है, जो मंत्री बने हैं, चाहे वो उनका बैकग्राउंड कैसा भी है, उम्मीद करूंगी हमारे देश के गृह मंत्री का पूरा ध्यान जो है वो पूरे देश की तरफ रहे, मात्र बदले लेने में नहीं कि अब बंगाल में दंगे करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री के ऊपर दंगों के गंभीर आरोप मामले आज भी अदालतों में चल रहे हैं, और वही हमारे जो दंगा भड़काने के आरोपी अपराधी की श्रेणी में जिन्हें लिया जा रहा है वो गृह मंत्री है। और उम्मीद करती हूँ बंगाल का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र दिल्ली का चुनाव है, हमारा गृह मंत्री जी जो है, आदरणीय गृह मंत्री जो है, बिना किसी भेदभाव की, उम्मीद करते हैं बिना दंगाइयों को और बिना हिंसा को बढ़ावा दिए देश के अंदर ऐसा माहौल बनाए रखेंगे, क्योंकि देश की नजर तो रहेगी, और जब जब लगेगा कि हमें आवाज उठानी है बिना किसी तरह डरे, हम पहली भी आवाज उठाती रही, मैं आगे भी उठाती रहूंगी, लेकिन देश ने आपको लोकतंत्र में जो वो मैंडेट दिया उसका हम सम्मान करते हैं। लोग कहते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ समझते हैं, लोगों को पता नहीं किसको वोट दिया, ना ना ना, मैं तो कह रही हूं बहुत समझदार लोग हैं, बहुत सोच समझ कर उन्होंने वोट दिया है, चाहे वो हत्यारे हैं, चाहे वो बलात्कारी है, चाहे वो आतंक है, चाहे वो दंगाई है, बहुत सोच कर दिया, इसीलिए उनको सलाम कर रहे हैं और हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि आप, लेकिन आप देखिए जब चुनाव में टिकट देना होता है तो जाति धर्म देख कर आपको दंगाई है को लोग वोट देते हैं, इसलिए आप उनको टिकट देते हैं और लोग वोट देते हैं और वो जीतते भी हैं। लेकिन जब देश को चलाने की बात होती है तब आप विशेषज्ञों की खोज पर निकल जाते हैं कि कौन विदेश मंत्रालय चला सकता है, कौन हमारा जो है यूडी मंत्री भी हमारे पिछले जो बने थे अभी भी हैं मिस्टर पुरी, वो भी फॉरेन सर्विस से रहे, वो भी कभी अपर हाउस लोअर हाउस चुनाव जीत के नहीं आए, इस बार भी अमृतसर से टिकट मिला था, हार गए, इतनी लहर के बाद भी वो हार गए, और उन्हें जो है सरकार पहले मंत्री बनाती है और उसके बाद उन्हें जो है राज्यसभा से भेजती है, लेकिन लोकसभा में वो हारते हैं। तो बात यह है कि 545 लोग लोकसभा में, 600 राज्यसभा में, लोकतंत्र में इन्हीं में से सुनने में आया था कि मंत्री बनते हैं, पर अभी एक नया भी है कि किसी को भी आप इनसे बाहर जाकर भी मंत्री बनाकर शपथ दिलवा सकते हैं, 6 महीने में चुनाव लड़वा सकते हैं। तो मुझे यही है कि जब इन्हीं को देश सौंपना है तो क्यों ना टिकट देके लोकतांत्रिक तरीकों से इन्हें ही लोगों के बीच में से लाया जाए, लेकिन पार्टियां और सरकारें जानती हैं कि इन्हें वोट अगर टिकट दिया तो इनकी जमानतें जब्त हो सकती है, जो अमृतसर में होते हुए दिखा भी है कि लोग शायद आज भी, हमारे लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड विशेषज्ञ जिनकी अपनी महारत हासिल है अपनी अपनी फील्ड में, उन्हें वोट नहीं मिलेगा, वोट तो उन्हें ही मिलेगा क्योंकि 43% क्रिमिनल पहुंचे हैं, सच्चाई है, आएगा तो मोदी ही, चाहे हमारी बेरोजगारी 45 साल में कम सबसे नीचे हम चले गए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन आएगा तो मोदी ही। तो इसलिए कह रही हूं मुबारक हो आपको, एक ही टाइम पर दो चीजें मिलना संभव नहीं था, या तो आपको रोजगार मिलते या देश की अर्थव्यवस्था सुधरती, या तो आपको दंगाई आतंकियों से हथियारों से मुक्ति मिलती, और या आपको आएगा तो मोदी ही मिलता, तो आएगा तो मोदी ही तो अब हो गया है। तो इसीलिए अब आपको मोदी जी के साथ देश के बेरोजगारी के आंकड़े, देश की विकास दर के आंकड़े, देश के ये अपराधी आतंकी दंगाई, दोनों मुबारक हो, क्योंकि 5 साल हम बहुत बोले, लोगों को सच्चाई रहेगी, लोगों को शायद यकीन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे जो अब दोबारा आए हैं, उनके हाथ में इतना ताकत था कि पूरी संवैधानिक संस्थाएं कहें, पूरा मीडिया कहें, करोड़ों रुपए विज्ञापन में कहें कि सब मोदीमय हो गया था, और ऐसा लग रहा था हम लोग झूठ बोल रहे हैं, और हमें गाली पड़ी और आज भी पड़ेगी, परवाह नहीं, चिंता नहीं है, भारत के सच्चे नागरिक हैं, ये तिरंगा अपने सीने से लगाकर चलते हैं, देश के ऊपर कभी भी आंच आएगी तो ये आवाज कभी आपको खामोश नहीं दिखेगी, ये आवाज उठती रहेगी, कहीं भी होंगे, कहीं भी होंगे, हिंदुस्तान के उस पीड़ित शोषित की आवाज बनकर हम उठते रहेंगे। बस चिंता इस देश बात की है कि हमारा देश को एक युवा भारत के तौर पर देखा जा रहा है, कि हमारी जो है 75% आबादी जो है उनकी उम्र 40 से कम है, और वो आज बेरोजगारी की दर पर खड़ा हुआ है, और अगर इसे रोजगार समय पर नहीं मिला, इनकी जरूरतें पूरी नहीं हुई, इनमें अगर फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो गया, इनका अगर गुस्सा, इनका फ्रस्ट्रेशन, इनका हिंसा पर ये उतर आए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्राइम बढ़ेगा, तो देश को उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा, इस उस चीज की चिंता हमें जरूर है। लेकिन खाली चिंता करने से कुछ नहीं होगा, लोग कहेंगे आप क्या कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं,
में सिर्फ आवाज उठाकर सोती सरकारों को जगा सकते हैं। बिना रेरे देश के सामने जो सच्चाई है, जो मीडिया का फर्ज था रखना, उन्होंने नहीं रखी, गुमराह कर दिया। और एक जो सरकार अब आ गई है, अब वो खुद अपने इन जारी जो कल आंकड़े जारी किए उससे भी अब मुंह नहीं मोड़ सकती। वो मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, उनके खुद के आंकड़े उनके सामने चुनौती है। अब उन आंकड़ों से वो कैसे पार पाती है, अब ये देखना होगा कि अब वो उन आंकड़ों पर ध्यान देती है, देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देती है, या वो आगे 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 जो अब और चुनाव आने हैं उन चुनावों को कैसे, उन राज्यों को अब हथियाना है, वहां कैसे राजनीति को कम्युनल करना है, सांप्रदायिक करना है, दंगे करने हैं, या उस पर अब उनका ध्यान जाता है, या पूरा फोकस अब विकास के ऊपर रह के धीरे धीरे अपनी बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को, देश के हालात को, किसानों के हालात को बेहतर करने की तरफ सोचते हैं। ये तो अब देश के प्रधानमंत्री, उस कैबिनेट को जिसमें 39% क्रिमिनल है, उस संसद को जिसमें 43% क्रिमिनल अपराधी पहुंच चुके हैं, अब तो ये उनके हाथ में पूरा देश 5 साल के लिए चला गया है। अब ये उन्हें सोचना है, अगर वो सोचेंगे, अच्छे कदम उठाएंगे, देश का एक एक नागरिक मेरा जैसा ताकत बनकर उनके साथ खड़ा रहेगा, और अगर ये लगेगा कि 39% क्रिमिनल कैबिनेट मिनिस्टर जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं, 43% क्रिमिनल आपराधिक सांसद, अगर सिर्फ अपनी उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए करते रहेंगे तो हमारे जैसे लोग आवाज उठाते रहेंगे।